नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्ज्वल मिश्रा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चाय की टपरी हो या फिर पान की दुकान, हर जगह बात सिर्फ चुनावों की हो रही है। नेताओं से ज्यादा चुनाव की बातें तो जनता कर रही है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसने बदला पाला, किस पार्टी ने किया कौन सा चुनावी वादा, नेताओं की ओर से एक दूसरे पर लगाए जा रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए जानते हैं चुनाव से जुड़ी 26 मार्च की 10 बड़ी खबरें जिन पर पूरे दिन रही देश की नजर। पहली खबर बीजेपी की लिस्ट को लेकर है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की छठी सूची जारी कर दी है। लिस्ट में 3 प्रत्याशियों के नाम है। बीजेपी ने राजस्थान के दौसा से सांसद जसकौर मीणा का टिकट काटकर कन्हैया लाल मीणा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो वहीं करौली धौलपुर के सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया का भी टिकट कट गया। मनोज की जगह इंदु देवी जाटव को बीजेपी ने टिकट दिया है। और वहीं मणिपुर इनर से सांसद केंद्रीय मंत्री राजकुमार रंजन का टिकट भी कट गया है। राजकुमार की जगह बीजेपी ने टी बसंत कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं अगली खबर बीजेपी नेता वरुण गांधी को लेकर है। बीजेपी नेता वरुण गांधी की पीलीभीत से टिकट कटने के बाद अधीर रंजन चौधरी का एक बड़ा बयान सामने आया है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वरुण गांधी की छवि साफ सुथरी है, उनको कांग्रेस में आना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर वे कांग्रेस में आते हैं तो खुशी होगी। अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा, आप खुद ही सुनिए। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए। वहीं अगली खबर पंजाब से है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जानकारी दी है कि पंजाब में बीजेपी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। यानी अब ये साफ हो गया है कि राज्य में अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने क्या कहा, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे लोकसभा चुनाव कल्ले लड़न जा रही है। आ फैसला पार्टी ने लोगों की राय, पार्टी के वर्करस की राय, लीडर साहबान की वख-वख राय, उन्हें सारे नूं लै के उहदे बाद पंजाब दे भविख, पंजाब की जवानी, पंजाब की किसानी, पंजाब के व्यापारी, पंजाब के सनतकार, पंजाब के मजदूर, साडा पिछड़ा वर्ग, सारिया की बेहतरी वास्ते, एक उज्जवल भविख वास्ते आ फैसला लिया। क्योंकि जो कम बीजेपी पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के रहनुमाई दे विच पंजाब वास्ते किए ने, किसी तो लिया जी। किसानों के फसलों का एक एक दाणा पिछले 10 साल चक्या गया MSP ते जिहड़ी उन्हां नूं उहदी भुगतान है हफ्ते के अंदर अंदर उन्हां दे खात्यां दे विच पहुंची है। करतारपुर साहब का लांघा जिहदे वास्ते सदियों तो इत्थे लोग खुले दर्शन दीदारां दी मंग करदे सी, वह भी प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहनुमाई दे विच सानूं अज आ जिहड़ी कृपालता वाहिगुरू ने जिहड़ी मेहर कीती है, बख्शिश दित्ती है, आ प्रधानमंत्री मोदी जी दी बीजेपी सरकार नूं आ बख्शिश प्राप्त हुई है। ते अगे भी पंजाब दा सुनहरा भविख आ मन के कि पंजाब दी बेहतरी, पंजाब दा सुरक्षित भविख ते पंजाब दी सरहदी मजबूती, इत्थे अमन शांति नूं मजबूत रख के ही भारत अगे तरक्की कर सकदा है। इस दे मद्देनज़र आ फैसला लिया गया ते मैनूं पूरा यकीन है आने वाले 1 जून नूं पंजाब दे लोग बीजेपी नूं होर मजबूत बना के देश दी उन्नति दे विच पंजाब दा योगदान बीजेपी नूं वोट दे के हुमहुमा के पाणगे। वहीं अगली खबर भी पंजाब से है। पंजाब में कांग्रेस को एक और जोरदार झटका लगा है। पूर्व सीएम बेअंत सिंह के पोते रवनीत सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो वहीं अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश खाली की एक पीड़िता रेखा पात्रा को फोन किया है। बता दें कि रेखा को बशीरहाट से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। पीएम ने फोन पर रेखा पात्रा से बात करते हुए उन्हें शक्ति स्वरूपा बताया है। पीएम मोदी ने उनसे चुनाव प्रचार की तैयारियों और लोगों के बीच भाजपा के प्रति समर्थन और अन्य मुद्दों पर भी बात की है। रेखा पात्रा ने पीएम मोदी को संदेश खाली में महिलाओं की परेशानियों के बारे में भी बताया है। तो वहीं अगली खबर है, बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। बीजेपी ने केरल के सीएम पिनाराई विजयन के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि वो लगातार धर्म के नाम पर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। इधर खबर है कि 30 मार्च को पीएम मोदी मेरठ से चुनाव प्रचार का आगाज करेंगे। वे बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के लिए प्रचार करेंगे। तो वहीं इस दौरान इस रैली में मंच पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पीएम मोदी के साथ रहेंगे। अगली खबर है, केंद्रीय मंत्री और असम के कद्दावर बीजेपी नेता सर्वानंद सोनोवाल ने दिब्रुगढ़ से पर्चा भर दिया है। इस दौरान उनके साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के अलावा
कई बड़े नेता मौजूद रहे। खराब मौसम के बाद भी सोनोवाल एक रैली को संबोधित किया। आपको बता दें कि इस बार सोनोवाल का मुकाबला इंडिया अलायंस के लुरिन ज्योति गोगोई से होगा। तो वहीं अगली खबर मध्य प्रदेश से लेकर है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भावुक हो गई। उन्होंने खुद को विजया राजे सिंधिया की पांचवी बेटी भी बता दिया। उमा भारती ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखकर कहा कि मेरी हमेशा से इच्छा थी कि ज्योतिरादित्य जी भाजपा में आ जाएं और अब मेरी वह इच्छा पूरी हो चुकी है। तो वहीं अगली खबर तमिलनाडु की कोयंबटूर लोकसभा सीट पर एक निर्दलीय उम्मीदवार नूर मोहम्मद मंगलवार को मिर्ची की माला पहनकर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। उन्होंने अपने हाथ में कटोरा भी पकड़ रखा था। अपने इस रूप के चलते नामांकन कार्यालय में वे चर्चा का विषय बने रहे। बता दें कि इसी सीट पर बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई को भी मैदान में उतारा है। तो आज की चुनावी सुर्खियों में बस इतना ही। मिलेंगे आपको कल फिर चुनावी सुर्खियों के साथ। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।